ये तो कहना पड़ेगा कि कोरोना काल में लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया और हमारे टेलीविजन के कलाकार आत्मनिर्भर भी बन गए हैं और ये शूटिंग के दौरान नज़र आ रहा है, क्योंकि जब वो शूटिंग पर पहुंच रहे हैं बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो खुद ही अपने हेयर कर रहे हैं, खुद ही अपना मेकअप कर रहे हैं, खुद ही अपना सामान कैरी कर रहे हैं और सब कुछ अपने आप कर रहे हैं। जैसे कि गुलकी जोशी, देख लीजिए, वो अपना मेकअप रूम भी दिखा रही है और क्या क्या सावधानियाँ बरत रही हैं वो सब कुछ बता रही हैं। इंस्पेक्टर हसीना मलिक तैयार है सबके दिलों से कोरोना का डर मिटाकर जिंदा दिली जगाने के लिए। कुछ इसी जज्बे के साथ हसीना मलिक बता रही है कि लॉकडाउन के बाद शूटिंग पर पहला दिन कैसा लग रहा है और साथ ही साथ वो किस तरह की सावधानी बरतने वाली है। सावधानी बरतने के साथ साथ गुलकी जोशी खुद की ही ड्रेस दादा, मेकअप मैन और न जाने क्या क्या बन गई है, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है तो इतनी सारी सावधानी तो लेनी ही पड़ेगी ना। और अपना काम जितना आप खुद अपने हाथों से करोगे उतना ही आप मुक्त हो जाओगे कोरोना के टेंशन से। So I have taken few measures. One is my personal sanitizer, जो मैं पूरा टाइम साथ में रख रही हूँ, जो मैं अपने मेकअप के पाउच में भी अपने साथ रखूंगी, और सैनिटाइजिंग स्प्रे, which is basically what this does is कि जिन चीजों पे आप जेल नहीं लगा सकते या लिक्विड सैनिटाइजर नहीं लगा सकते उस पे स्प्रे करने के लिए। जैसे मेरा कॉस्ट्यूम आया तो कॉस्ट्यूम को मैंने जो है पूरा स्प्रे कर दिया, कि अगर थोड़ा बहुत भी कहीं से कुछ हुआ होगा तो चला जाएगा। As you can see, I've got my set of fruits, जिनको मैंने खुद अपने हाथों से अच्छे से धो धा के सब रखा है। गरम पीना और गरम पानी पीना और constantly कुछ करना है, इससे that reduces the risk of getting infected. I've got my tiffin, जिसमें आज मुझे मेरे पूजनीय पिताजी ने जो है इडली सांभर बना कर दिया है, तो मैं लंच में खाऊंगी। बेसिकली ये सात चक्र हैं। मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ और मेडिटेट करती हूँ, इस सब में बिलीव करती हूँ। सो दिस इज एक्चुअली द प्लेस वेयर आई सिट एंड मेडिटेट जब शूट नहीं चल रहा होता, शॉट नहीं होता है। तो देखा आप सबने कि आपको अगर जरूरी काम से बाहर जाना हो या आपको रोजाना काम पर जाना पड़ता है तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और सावधानी बरतते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी बातें इंस्पेक्टर हसीना मलिक यानी कि गुलकी जोशी ने सास बहू और साजिश की मदद से जनहित में जारी की है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अली असगर को खजूर बेचने की नौबत आ गई? हाँ भाई, देखिए अली असगर जो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, बहुत सारे सीरियल्स में हम उन्हें देख चुके हैं, फिल्मों में देख चुके हैं, लेकिन आजकल उन्हें सड़क पर खजूर बेचते देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैम, I'm selling खजूर nowadays. अच्छा, नहीं चाहिए, चलो आगे बढ़ो। ले लो मैम, गौर से देखिए इस इंसान को जो दादी के किरदार में बहुत ही फेमस था, जिसके आने से ही चेहरे पर मुस्कान आ जाया करती थी। लॉकडाउन के लगभग 3 महीनों बाद ना जाने ऐसा क्या हुआ कि रास्ते पर खड़े होकर इन्हें खजूर बेचना पड़ा। मैम, सेलिंग खजूर nowadays. अच्छा, नहीं चाहिए, चलो आगे बढ़ो। ले लो मैम, का बच्चा जो अभी बहुत बड़ा हो गया, थोड़े दिन में उनका भी बच्चा होगा। मास्क के पीछे ये जनाब कोई और नहीं बल्कि दादी यानी कि अली असगर हैं। और मामला ये है कि अली अपनी दोस्त नीति और प्रीति सिमोन से बिल्डिंग के नीचे मुलाकात करने आए थे और लगभग 4 महीनों बाद इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के साथ ही शुरू हो गई इनकी मस्ती की पाठशाला, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। आजकल देखो कैसे क्या कर रहे हैं लोग यार, बिल्कुल तमीज नहीं है। What is this behavior? Social distancing. इन तीनों की मस्ती देखकर ये समझ में आ गया कि दोस्तों के संग ये छोटी छोटी मुलाकातें भी दिन बना देती हैं, और दोस्त वही होता है जो हर कदम पर आपके साथ रहे।
साइंस रिपोर्ट। चुटकी तो आपको याद ही होगी, शॉपकीपर वाली। जी हाँ, चुटकी यानी कि गौरव गेरा। लॉकडाउन में आखिर उन्होंने अपना समय कैसे बिताया, क्या कर रहे हैं आजकल और क्या उनकी कॉमेडी में रंग आया है, ये सब कुछ पता चलेगा अब भी इसी वक्त। के बनाया है ये काली सब्जी, सुन तू रहने दे मैं कर लूंगी। हाय हाय खत्म करो परां। He should be like my favorite dish, uttappa. I love it. और जब बाहर से मंगाती है तो बहुत अच्छा लगता है। आय हाय पसीना। दीदी मैंने कहा था ना मेरा काम बोलता है। तो वॉल्यूम घट करो। Oh God, कितनी गंदी नकल की है ना इसने। शोकी, ए शोकी, शोकी, ए बुआ डे चा, मैं इंटरव्यू पे डे निया, एबीपी न्यूज़। गौरव गेरा चुटकी के साथ साथ एक और मजेदार किरदार आप सबके लिए लेकर आए हैं, और ये किरदार है रचना आंटी का, जो चुटकी के मंसूबे पर कैसे पानी फेरेगी, चलिए आप सबको बताते हैं। हेलो हेलो नमस्ते, मैं हूँ गौरव गेरा, और ये रचना आंटी जो रचना बुआ का कैरेक्टर है, ये लेटेस्ट कैरेक्टर मेरे वीडियोज में, ये आड़ू की बुआ है। आड़ू जो छोटा बच्चा है मैं ही बनता हूँ मेरे वीडियोज में। तो कहानी और आगे बढ़ गई है। रचना आंटी की जो लैंग्वेज है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पंजाबी टाइप है, सिंधी मिक्स्ड है, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं वेरी सिमिलर टू डोगरी है, और मीरपुरी लैंग्वेज भी है, बट ये इसको हम मुल्तानी कहते हैं। तो फरीदाबाद में जहाँ मैं बड़ा हो रहा था ये वहाँ की लैंग्वेज है, मतलब काफ़ी लोग वहाँ बोला करते हैं। चुटकी ने पूरा निबंध लिख दिया है कि उसे कैसा पति चाहिए। My husband should be very cool. He should not be hot tempered and he should always wear cool color like blue and green. He should have cool attitude too. He should be like my favorite dish, uttappa, flat, crunchy but also sweet. He should like iced tea, cold coffee and ice cream. He should not have microwave at home. He should take me out to hoteling every Sunday and always wear goggle when we go out. Oh, this is Rohit. Hello, hello. और रोहित मेरे साथ वीडियो में आते हैं, रोहित और चुटकी के वीडियोस and also गंदी जुफ्रा and चुटकी also videos. Alright, so देखो इतनी सारी सब्जियां, बताओ हम क्या बनाने वाले हैं? Chinese? Oh please no, मैं उनके नाम तक नहीं लेना चाहती। पर ये तो इंडियन है। Yeah, but still. लेकिन चुटकी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुटकी के इरादों पर पानी फेरने आ गई है रचना आंटी, और वो चुटकी के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए अपना ज्ञान का भंडार लेकर आई है। तो रचना आंटी के दो बेटे हैं, शोकी, एक शोकी जो है वो अशोक का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो मोस्टली जैसे हमारी फैमिली में जो अशोक है उसको शोकी बुलाया जाता है, छोटा बेटा मन्नू है। तो ये रचना आंटी है और ये अपने बालों से खेलती रहती है, और ये बैंक दी मैनेजर भी है, और ऐसे करके इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एंड आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। मरे सा हिक मूते हिक लत मरे सा डूटोटे थी वैसे ओ ट्राई करो जड़ा होता है एमटीएन ने एमटीएम एनएम किशन ने केएनटीएम एमटीएम एमएन एटीएम एटीएम ट्राई करो। लाला भाभी तू चंगा चंग भाभी लाला तू चंगी डुआ दा प्यार निराला डुआ दा प्यार निराला लाला भाभी तू चंगा भाभी लाला तू चंगी भाभी झाड़ू मरेंदी लाला पोचा करेंदा डुआ दा प्यार निराला डुआ दा प्यार निराला। ओ तो वॉल्यूम घट करो, पांच मिनट मैं वेंदी वेंडू जे कमरे च पुटरा थी शोक ना पापा बड़ा एंड पे टिक टॉक ये देखो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि चुटकी को उसका मनचाहा पति मिलेगा या फिर रचना आंटी की टिप्पणियां चुटकी पर इस कदर भारी पड़ जाएंगी कि वो शादी करने का ख्याल ही छोड़ देगी। समझ गया। स्नेहा शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई।
सुशांत सिंह राजपूत। देखते ही देखते उनकी मौत को 15 दिन हो गए, जो बिल्कुल 2 रविवार पहले ही उनके आत्महत्या की खबर आई और पूरी इंडस्ट्री में, और ना सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि घर घर में तहलका मच गया और लोग दुख में डूब गए। चलिए आपको बता देते हैं कि सुशांत सिंह के केस में अब तक क्या क्या अपडेट हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को करीब 15 दिन हो गए हैं और इन 15 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के केस से जुड़े मामले में हर रोज एक नया मोड़ आ रहा है। सुशांत के दोस्तों के बाद अब यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से भी पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस को दिए बयान में शानू शर्मा ने कहा है कि सुशांत यशराज के साथ अपनी तीसरी फिल्म पानी को लेकर बेहद उत्सुक था। यशराज भी इस फिल्म को बिग बजट बनाना चाहता था। यहां तक कि यशराज फिल्म्स ने इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर 4 से 5 करोड़ रुपए तक खर्च भी किए, लेकिन आदित्य चोपड़ा और डायरेक्टर शेखर कपूर के बीच फिल्म बनाने को लेकर एक राय नहीं बन पाई। दोनों में काफी क्रिएटिव डिफरेंसेस थे और इसी की वजह से ये फिल्म नहीं बन सकी। फिल्म ना बनने को लेकर सुशांत काफी दुखी हुए और उन्होंने यशराज फिल्म्स छोड़ने का फैसला किया। जब पुलिस ने शानू शर्मा से ये पूछा कि यशराज और सुशांत के कॉन्ट्रैक्ट की तीसरी फिल्म नहीं करने के बाद भी सुशांत को यशराज ने जाने क्यों दिया, इस पर शानू शर्मा ने बताया कि सुशांत ने हमसे यशराज छोड़ने की गुजारिश की। यशराज फिल्म्स भी इस पूरे मामले को ज्यादा खींचना नहीं चाहता था और इसीलिए सुशांत और यशराज फिल्म्स की रजामंदी के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया। सबकी रजामंदी के साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था तो यशराज ने भी तीसरी फिल्म करने के लिए सुशांत पर जोर नहीं दिया और उसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया। सुशांत सिंह मामले में क्यों सुसाइड किया, इसके बारे में पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है और जैसे ही जांच में कुछ सामने आएगा तो पुलिस आप सबको जरूर बताएगी। पुलिस ने शानू शर्मा से ये भी पूछा कि क्या यशराज के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सुशांत के हाथ से बड़ी फिल्म चली गई थी, जिसकी वजह से सुशांत काफी नाराज था। इस पर शानू शर्मा ने ये बताया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही उन्होंने ये बात कभी सुनी है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले की जांच कर रही टीम के प्रमुख DSP अभिषेक त्रिमुखे ने बताया कि अब तक हमने 27 लोगों से पूछताछ की है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अभी तक बांद्रा पुलिस ने 27 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। सुशांत सिंह राजपूत का डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पुलिस को कूपर हॉस्पिटल से मिला है, जिसमें कि 5 डॉक्टर्स की टीम ने PM रिपोर्ट पे साइन करके पुलिस को दिया गया है। सुशांत सिंह का कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर्स ने क्लियरली एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग ये पुलिस को बताया है ऑन रिकॉर्ड। पुलिस को संदेह है कि सुशांत के सोशल मीडिया के पोस्ट डिलीट किए गए हैं। पुलिस ने ट्विटर मुख्यालय को लेटर भेजकर सुशांत के पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड भी मंगवाया है, तो वहीं इंस्टाग्राम पर सुशांत ने अपनी मौत के 11 दिन पहले मां को याद करते हुए इमोशनल पोस्ट लिखा था। सुशांत ने आखिरी बातचीत अपने मैनेजर उदय सिंह से की थी, जो कि किसी फिल्म के सिलसिले में थी। मैं इस माध्यम से सब लोगों को अपील करता हूँ कि बहुत सारा सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके की खबरें इस केस के बारे में दी जा रही है, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि मुंबई पुलिस इस केस को, इस सेंसिटिव केस को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रही है और आप पुलिस में विश्वास रखिए, जो सच है वो सबके सामने पुलिस लाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर मानो बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत की कंगना रनौत ने और सुशांत को चाहने वालों का गुस्सा करण जौहर, सलमान खान, आलिया भट्ट, सोनम कपूर और ऐसे कई बड़े बड़े कलाकारों पर निकला है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झिंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है,
मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? कई फिल्मी कलाकारों के साथ सुशांत के परिवार वाले CBI जांच की मांग कर रहे हैं। अभिनेता शेखर सुमन ने भी जस्टिस फॉर सुशांत के नाम से फोरम की शुरुआत की। फिलहाल तो पुलिस के अनुसार सुशांत की आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट की भी मदद ली जाएगी। बाकी जो सैंपल्स उनके कलेक्ट किए गए थे वो CA को एनालिसिस के लिए भेज दिए गए हैं। प्रायोरिटी पे उसका एनालिसिस हो इसके लिए हमने हमारी फोरेंसिक टीम को रिक्वेस्ट की है। इस पूरे मामले का एक राजनीतिक पक्ष भी सामने आया जब बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री से राजगीर में निर्माणाधीन फिल्म सिटी का नामकरण सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर करने का अनुरोध किया, ये जताते हुए कि सुशांत ने छोटी उम्र में बिहार का नाम रोशन किया है। सुशांत सिंह राजपूत के स्कूल ने भी एक भावुक कविता के जरिए सुशांत को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं करणी सेना ने पटना में एक चौक का नाम सुशांत के नाम पर करने की मांग की है, जिस पर फिलहाल सरकारी रजामंदी का सिक्का लगना बाकी है। सुशांत के परिवार वाले सुशांत के पटना के घर को उनकी याद में मेमोरियल बनाना चाहते हैं और एक ट्रस्ट के जरिए जरूरतमंदों को मदद करने की बात भी सामने आई है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।